हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल के पकोड़े। बारिश का मौसम हो रहा है कई दिन से, तो फिर हमने बनाए हैं मूंग दाल के क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी पकोड़े। तो ये हमने मूंग की दाल ली है, उसको भिगो दिया था 3-4 घंटे, और उसके बाद इसको मिक्सी में डाल के थोड़ा सा जरा सा पानी डाल के और इनको पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमारी दाल इसके रेडी है, तो इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। और अब मिलाएंगे इसमें मसाले। मिर्च पाउडर, गरम मसाला, और नमक डालेंगे। और ये डाल दिए है इसमें सौंफ। सौंफ से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो सौंफ ज़रूर ऐड करें इसमें। नमक डाल दिया है। अब डालेंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं सब में। और इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं था तो हमने नहीं डाला। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमने कढ़ाई में तेल डाल लिया और तेल जब गर्म हो गया तो ज़रा सा डाल के देखेंगे। अगर ये ऊपर को तैर जाती है तो समझ लेंगे कि तेल गर्म हो चुका है, और नीचे बैठ जाती है तो फिर थोड़ा सा और गर्म करेंगे। तो ये ऊपर तैर रही है, तो अब हमें ऐसा ही चाहिए था। तो अब इसमें हम सारे फ्राई कर लेंगे एक एक करके।
ये देखिए अब हम शुरू कर दिया है पकोड़ों को बनाना, तो आप भी ज़रूर बनाइए, बड़े ही टेस्टी लगते हैं। ये हमने सिंपल मूंग के दाल के पकोड़े बनाए हैं, अगर इसमें थोड़ा सा और स्पेशल बनाना हो तो इसको ना चौंले की दाल थोड़ी मिला देते हैं ना, चौंला, तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। और इसको हम कैसे भी सर्व कर सकते हैं, सॉस के साथ, चाय के साथ। तो अब धीरे धीरे करके सबको हम फ्राई कर लेंगे। और इसको दही में डाल के भी सर्व कर सकते हैं, दही और मसाले, चाट मसाला वगैरह सब डाल के, लेकिन हमने सिर्फ सॉस के साथ ही खाए हैं इसको। और दूसरी और बात, इसमें अगर गोलगप्पे का पानी होता है ना, पानी पूरी का पानी, अगर इसको उसमें डाल दें कुछ देर के लिए, पहले गर्म पानी में डालें ताकि ये ऑयल निकल जाए, उसके बाद गोलगप्पे के पानी में डाल देंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा अलग ही टेस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया। हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अब ये बनकर बिल्कुल रेडी हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा, और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए कैसे बहुत क्रिस्पी बने हुए हैं, और ये देखिए अंदर तक अच्छे से पक चुके हैं। बिल्कुल